सब्सक्राइब करें पीओ ऑफिस वर्क चैनल को और घंटी के निशान को भी दबाएं। नमस्कार करता हूं, सबसे पहले तो सभी को और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पीओ ऑफिस वर्क पर। आज देखिए हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि पंचायत के बजट के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करें और अपनी ग्राम पंचायत में कौन कौन से कार्य सैंक्शन हो रखे हैं और क्या उनका बजट है, कितने बजट के कौन कौन से कार्य सैंक्शन हुए हैं कितने रुपए के और क्या उनकी प्रोग्रेस है, इस सब के बारे में आप घर पर बैठे मोबाइल से या कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर इसके बारे में आपको पूरी जानकारी प्राप्त करनी है तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप नहीं करें, अंत तक देखें। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मोबाइल से या कंप्यूटर से किसी से भी कर रहे हैं तो आपको गूगल खोल लेना है सबसे पहले। बात देखिए, आपको परसों जो दो तीन दिन पहले मैंने वीडियो डाला था उसी साइट की हम फिर से चर्चा करेंगे। तो अब देखिए आपको डालना है jansuchna.rajasthan, आपको डालना है JANSOOCHANA, यानी जनसूचना, फिर लगाना है डॉट, फिर लगाना है राजस्थान। परसों वाले वीडियो में मैंने यही वेबसाइट बताई थी, देखिए jansuchna.rajasthan और इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए ऊपर ही ऊपर दिख रहा है jansuchna.rajasthan.gov.in, इस पर क्लिक कर देंगे। अब इसमें देखिए ये पांच नंबर पे आपको दिख रहा है ई पंचायत, पांच नंबर पे दिख रहा है ई पंचायत, तो इस पर क्लिक करेंगे। ई पंचायत पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो चार ऑप्शन आपको दिखेंगे जिसमें सारी पंचायत की जानकारी। देखिए पहला ही पहला ऑप्शन है अपने क्षेत्र में कार्य और प्रगति के बारे में जानें। इस ऑप्शन के द्वारा आपके क्षेत्र में कितने रुपए के कार्य सैंक्शन हो रखे हैं और कितनी उनकी प्रगति हो गई उसके बारे में आप जान सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है अपने कार्य और प्रगति के बारे में जानें, आपका कोई व्यक्तिगत कार्य है तो उसके बारे में आप जान सकते हैं। तीसरा है पंचायत के बजट की जानकारी, इसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपके पंचायत में कितना बजट इस वर्ष या पिछले वर्ष या उससे पिछले वर्ष आया था। और ई पंचायत डैशबोर्ड, इसमें कुछ विशेष आपके काम का है नहीं। तो सबसे पहले देखिए अपने क्षेत्र में कार्य और प्रगति के बारे में जानने, इसके बारे में जानना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए किस प्रकार, इस तरह से देखिए आ जाएगा आपके, जैसे क्लिक किया आपने सभी जिलों के नाम आ गए। तो आपका जो जिला है उसी पर क्लिक करना है। तो ऐसे इसको नीचे स्क्रॉल कर लेंगे और स्क्रॉल करते करते अपने जिले पर हम आ जाएंगे। जैसे देखिए, जैसे अपना जिला झुंझुनू है तो झुंझुनू पर, ये झुंझुनू है, झुंझुनू में 4,539 ग्राम पंचायतें। अधिक जानकारी करोगे तो आपको पूरा गांव का पूरा विवरण मिलेगा, तो यहाँ अधिक जानकारी पर क्लिक करेंगे। ये झुंझुनू जिले के सामने जाके अधिक जानकारी पर क्लिक करते ही सारी पंचायत समितियों के नाम आ गए। तो हम अपनी पंचायत समिति उदयपुर वाटी, उस पर क्लिक कर देंगे। लिखा हुआ है ग्राम पंचायत विस्तार, यहाँ क्लिक कर देंगे। सबसे पहले जिले पे गए, जिले के बाद पंचायत समिति पे। अब देखिए अब अपने गांव का नाम आप ढूंढ लेंगे इनमें से कि अपने गांव का नाम कहाँ है। जैसे देखिए मंडावरा की बात करें तो ये मंडावरा है, मंडावरा में 7 राजस्व ग्राम है और लिखा हुआ है ग्राम वार विस्तार, तो यहाँ क्लिक कर देंगे। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है नाहरवाड़ी और मंडावरा 2, तो जैसे मान लीजिए आपको मंडावरा की जानकारी प्राप्त करनी है तो ये लिखा हुआ है अधिक जानकारी, इस पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए ये कार्य आ गए। जैसे सबसे पहले क्रम संख्या, कार्य का क्रमांक, कार्य का नाम और विवरण, अनुमानित लागत, योजना का नाम, कार्य की स्थिति, कार्य का प्रकार, कुल खर्च, आरंभ दिनांक और समाप्ति दिनांक, ये सारे हैं। हो सकता है कुछ अभी आरंभ भी नहीं हुए हों तो उनमें आरंभ दिनांक आपको नहीं मिलेगी। जैसे देखिए ये है बांध की मरम्मत का कार्य, ये पैसे और जो कितना हो गया रख रखाव और मरम्मत है और अंडर प्रोसेस ये कार्य। तो इस तरह से आप सारे कार्यों का विवरण, इसको नीचे तक स्क्रॉल आप कर लोगे तो सभी कार्यों का विवरण आपको मिल जाएगा। टोटल 9 कार्य इसमें लिखे हुए हैं, 9 कार्यों का विवरण आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप पंचायत के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको पंचायत के बजट के बारे में जानकारी करनी है तो आप क्या करेंगे, अब जाएंगे आप बैक, वापस बैक जाएंगे, बैक जाएंगे तो देखिए अपने कार्य और प्रगति के बारे में जानिए, तो आपका कोई कार्य तो उसके बारे में जानना है तो यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे तो अपना कार्य आईडी दर्ज करेंगे। यदि किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत कार्य है जैसे कोई आवास योजना का या जो भी है तो उसकी जो आईडी होती है वो दर्ज करके खोजे पे क्लिक करेंगे तो आपके कार्य की प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको पता चल जाएगी। अब मान लीजिए आपको पंचायत के बजट के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है पंचायत के बजट की जानकारी, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे पहले आ रहा है चयन करें, तो चयन जिले का चयन कर लेंगे, कोई भी जिला है जैसे झुंझुनू है तो झुंझुनू का चयन कर लेंगे।
उसके बाद पंचायत समिति का चयन कर लेंगे उदयपुर वाटी, उसके बाद ग्राम पंचायत, जो भी आपकी पंचायत समिति जिला उसी का चयन आपको करना है। ये ग्राम पंचायत का चयन हो गया। वित्तीय वर्ष देखिए, इसमें 3 साल का बजट आप देख सकते हो। तो अभी वित्तीय वर्ष 2021 चल रहा है, जैसे पिछले साल का हम देख लेते हैं 19-20 का, और खोजें पर क्लिक करेंगे 3 साल का बजट आप इसमें देख सकते हैं गत 3 वर्ष का। तो ये देखिए, ये बजट की राशि आ गई मंडावरा के लिए और मंडावरा के लिए। ये इस तरह से टोटल बजट, ये पिछले साल का बजट है, 36,78,000 जो भी है राशि। आप चाहें तो देखिए इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। ऊपर देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ, प्रिंट PDF, तो यहाँ आप इसको क्लिक करेंगे तो इसका प्रिंट भी आप ले सकते हो। यदि आपके पास प्रिंटर उपलब्ध है तो इसका प्रिंट भी आप ले सकते हो। ऐसे ही आपने जो पहले बजट कार्यों का विवरण निकाला था उसका भी आप प्रिंट ले सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि जानकारी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।